हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग हर साल हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ फ्री में प्रोवाइड करते हैं कुछ टॉपर स्टूडेंट्स को, है ना। तो इस बार भी हम लोग कैट और आई पी मेट के लिए हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ कुछ टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, है ना। तो इसकी पूरी प्रोसेस ध्यान से देखिएगा कि कैसे आपको मिल सकती है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि लास्ट ईयर तक हम लोग क्या करते थे कि हम 10th, 12th और ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेसिस पे ही टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते थे। तो काफ़ी सारे हमारे पास मेल आते थे कि सर और भी कुछ क्राइटेरिया रखिए जिससे हम लोग भी एलिजिबल हो पाएँ, जिसमें कई लोगों के काफ़ी कम परसेंटेज रहते थे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने दोनों तरीके अपनाए, 10th 12th के बेसिस पे भी, और हम लोग एक ऑल इंडिया मॉक लेंगे उसके बेसिस पे भी, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक पूरी प्रोसेस समझिएगा, है ना। अगर आपसे कहीं भी कुछ गलती हो गई तो फिर आपको ये टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और हाँ, जिनके पास ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ है तो उनके पास है ही, ये वीडियो उनके काम का नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो ऑल इंडिया मॉक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए जो क्राइटेरिया है, चाहे वो कैट के एस्पिरेंट्स हों चाहे वो आई पी मैट के एस्पिरेंट्स हैं, दोनों के लिए सेम है। लेकिन अगर वो आई पी मैट के एस्पिरेंट्स हैं तो उनके ग्रेजुएशन के परसेंटेज यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होंगे, और अगर वो 12th क्लास में है तो 12th क्लास के भी परसेंटेज अप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से सुन लीजिए, आपके 10th क्लास में जो सी जी पी ए होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, या परसेंटेज अगर हैं तो परसेंटेज मोर देन 95% होने चाहिए। 12th क्लास में आपके परसेंटेज 90% से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन में आपके जो परसेंट होने चाहिए वो 85% होने चाहिए। तो अगर आपके ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, स्पेशली कैट के एस्पिरेंट्स के लिए, तो हम आपको अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ फ्री में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ में मोर देन 120 टेस्ट हैं, जो भी आपको धीरे से आगे पता चल भी जाएगा कि कैसे कैसे टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। और अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपके फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो इस बार हम लोग एक ऑल इंडिया मॉक अलग से भी लाए हैं, ठीक है। तो ये जो मॉक होगा वो 19 जून 2020 को होगा, ठीक है। तो आप ये हमारा फ्री ऑल इंडिया मॉक दे सकते हो 19 जून 2020 को। प्रोसेस अभी आपको धीरे से पूरी पता चल जाएगी, और इसमें रैंक कितनी रैंक पे आपको कौन सी टेस्ट सीरीज मिलेगी ये भी हम बताएंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो भी बताएंगे, रजिस्ट्रेशन भी फ्री में है, ठीक है। तो 19 जून को आप ये टेस्ट देंगे, और अगर इसमें आपकी अच्छी रैंक आती है तो भी आपको हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगी वीडियो के आगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। डेट का ध्यान रखिएगा, 19 जून 2020 को आपका एक ऑल इंडिया मॉक होगा, सॉरी, क्लियर है, ठीक है। मॉक में 25 क्वेश्चंस होंगे, क्वांट एलआर के मिक्स हो सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल नहीं बताई जाएगी, ठीक है। टेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी वो 40 मिनट्स होगी। जो मार्किंग है इसमें वो +3 और -1 रहेगी, ठीक है। राइट क्वेश्चंस के +3 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग के -1, अनअटेम्प्ट के 0 मार्क्स, ठीक है। ध्यान से दो तीन चीज़ समझ लीजिएगा, जो भी हमारा टेस्ट है वो आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही दे सकते हो। हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ या आगे भी जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लोगे उसके टेस्ट आप लोग अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही दे सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, टेस्ट देते समय कोई और विंडो आपकी ओपन नहीं होनी चाहिए, विंडो आपकी सिर्फ टेस्ट की ही ओपन होनी चाहिए, नहीं तो टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो सकता है ना, या आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, ठीक है। दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा टेस्ट देते समय, और ये टेस्ट आपको कब देना है, 19 जून को, ठीक। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट कौन सी है, www.thecreatorsworld.com, ठीक है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं बता देता हूँ, ये मेरा पेपर में इंटरव्यू आया था उसके आपको इमेज दिख रही होगी, और ये एक सेमिनार की। रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर पे जाके, रजिस्टर एज स्टूडेंट्स पे, रजिस्टर एज स्टूडेंट पे आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। और जो लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको अब दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। कई बार लोग स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो उसके कारण उनके आईडी पे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं जा पाता, तो ईमेल आईडी आप एकदम सही डालिएगा, आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा।
और अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड नहीं होता है 16th जून तक, तो 16th जून को आप हमें support@thecreatorsworld.com पे एक मेल कीजिएगा, तो आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपको यूजर नेम पासवर्ड पता चल जाएगा तो 19th जून को ही आपको लॉग इन नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है, लॉग इन करना है, ठीक है। टॉप पे आपको दिख जाएगा फ्री ऑल इंडिया मॉक फॉर कैट आईपी मैट एस्पिरेंट्स, इस पर क्लिक करना है। फिर ये वन लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये टेस्ट रहेगा, यहाँ पे ये ओपन का एक ऑप्शन रहेगा, टेक दिस टेस्ट, इसको जाके आपको टेस्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। टेस्ट ओपन करते समय ध्यान रखिएगा डेस्कटॉप या लैपटॉप ही होना चाहिए और कोई विंडो ओपन नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स ने 10th 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पे जिनको फ्री में मिलेगी टेस्ट सीरीज या इसमें अच्छी रैंक लाने के बाद मिलेगी, उनको मैं बता देता हूँ क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग। कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स है में हमारे मैथ्स के टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे जो कि मोर देन अभी 20 हैं, ठीक है, 18 लिखा हुआ है, भले ही 22 टेस्ट हैं, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं, इसमें हर टॉपिक के मीडियम और लो लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। सिमिलरली LRDI बूस्टर में LRDI के टेस्ट मिलेंगे, वर्बल एबिलिटी 100 में वर्बल एबिलिटी के टेस्ट मिलेंगे। फिर क्रिएटर्स टॉपर जो हमारा सेक्शन है, इसमें आपको मैथ्स, वर्बल एबिलिटी, LRDI तीनों सेक्शन के क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका लेवल जो रहेगा वो थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा, ठीक है। और इसमें जेड के डिसीजन मेकिंग के भी कुछ टेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा टेस्ट हम लोग आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया कैसे करना है, दोस्त हुए क्वालिफाइड सेंड द, अब जो लोग क्वालिफाइड कर चुके हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन बेसिस पे, उनको अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट की कॉपी support@thecreatorsworld.com पे भेजना है, ठीक है। रिजल्ट हम लोग 23rd जून 2020 को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये कंडीशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, टॉप 10 स्टूडेंट्स को हम लोग अपने चारों सेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स, LRDI बूस्टर, वर्बल एबिलिटी 100 एंड क्रिएटर्स टॉपर, जो भी मैंने समझाया था। जिन स्टूडेंट्स की रैंक 11-20 आएगी उनको हम लोग कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स, LRDI बूस्टर और वर्बल एबिलिटी 100 के टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और जिनकी रैंक 21-25 आएगी उनको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स के टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जिनके 10th 12th और ग्रेजुएशन में परसेंटेज हमारे क्राइटेरिया से फुलफिल हो रहे हैं उनको हम लोग ये चारों सेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और टेस्ट के बेसिस पे जो हमने रैंक डिसाइड की है उनमें ये मैंने आपको समझाई दिया कि किस रैंक पे आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो ध्यान रखिएगा 15th मई 2020 है। अगर आपने 16th मई को भी अप्लाई किया तो आप टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो बाद में प्लीज़ ऐसा कोई मेल मत कीजिएगा कि सर हमने ये वीडियो बाद में देखा था या हमें पता नहीं था, वो सब मेल बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। और टेस्ट मेरा मानना है सभी लोग दीजिएगा, उससे आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।